दुश्मन को प्यार करना मतलब मौत को गले लगाने बराबर है, और वैसे भी हम शैतान हैं, और हम शैतान प्यार नहीं करते, सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। इस लॉकेट को मैंने कहीं तो देखा है, लेकिन कहां? एक बार सीसीटीवी फुटेज फिर से चेक कर लेता हूं। तो इसका मतलब ये सब कुछ अमात कर रहा है? इन सबके पीछे अमात का हाथ है? ये काला जादू सब अगले 24 घंटे मेरी बच्ची के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। इतने कम वक्त में मैं अमात को कहां ढूंढूं? अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। इस बच्ची की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। अगर शैतान बनकर नहीं तो ऐसे ही सही। ये नामुमकिन है। ये तो शैतानी आग थी जो कभी नहीं बुझ सकती। इस आग का बुझना हमारी तबाही का इशारा है। अब हम ये जंग कैसे जीतेंगे? मैं जानता हूं कि ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। हमें इसे करना ही होगा। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो इंसान तेरे दर पर आ जाता है। मेरे मौला, मेरी मदद कर। तूने उस बच्ची के जरिए हमें एक नई जिंदगी दी है। हमसे हमारे जीने की वजह मत छीन। मुझे मेरी बच्ची तक पहुंचा दे। आज शैतानों की बहुत ही हसीन रात है। आज वो रात है जो अपने साथ हमारी जीत का तोहफा लेकर आएगी। ये वही बच्ची है जिसका हमने इतने सालों से इंतजार किया है। आपकी मंजिल आपकी आंखों के सामने, लीजिए। और आज वही रात है जो 26,000 सालों में एक बार आती है। अमावस की वो रात जहां हमारी ताकतें अच्छी ताकतों पर हावी हो जाती हैं। और आज इस बच्ची की कुर्बानी देने के बाद हमारी जीत होगी, लेकिन इसकी कुर्बानी देने से पहले हमें इसे शैतान बनाना होगा, और ये आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। आप करेंगी ये, क्योंकि इसके बाद आपके पास इतनी ताकत होगी जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। अब हमें कोई नहीं हरा सकता। हाँ जरूर। अपने आप को संभालो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। प्लीज, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा। आज रात हमारा असली इम्तिहान होगा। आज की रात हमें हौसले से काम लेना होगा। मेरी बच्ची! रुक जाओ मायरा, वहीं रुक जाओ। इस बच्ची की सलामती चाहती हो तो वहीं रहना। आपने तो कहा था आप हमारी मदद करने वाली। तुम तो बहुत समझदार हो ना, तो फिर तुमने मेरी बात पर यकीन कैसे कर लिया? मैं शैतान हूं, और हम शैतान बहुत खुदगर्ज होते हैं। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम किसी और की मदद कर ही नहीं सकते। और मुझे लग रहा था कि आपके अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत जाग गई है, लेकिन मैं गलत था। सही कह रहे हैं, हमारी गलती थी। हमने आप पे यकीन किया। इसकी नीयत में दगाबाजी हो
उस पे यकीन करना सबसे बड़ी बेवकूफी होती, और आपने क्या कुछ नहीं किया मुझसे मेरी खुशियां छीनने के लिए, अब भी आपका दिल नहीं भरा। घर के आपसी मामले घर के अंदर ही सुलझाने चाहिए, ये रात तुम्हारी बेकार की बातों के लिए नहीं है, ये रात हमारी जीत की है। बहुत प्यार करते हो ना तुम दोनों इस बच्ची से, अब ये बच्ची डिसाइड करेगी कि ये तुम दोनों में से किससे ज्यादा प्यार करती है, और ये जिसे भी चुनेगी उसकी कुर्बानी दी जाएगी। तो बताओ बेटा, अम्मी या अब्बू?